हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट म्यूजिक थ्योरी फॉर प्लस टू सीबीएसई सब्जेक्ट कोड इज़ जीरो थर्टी फोर तो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे जो टॉपिक है आज हमारा वो है अलंकार कण मीन खटका मुर्की ठीक है ये पांच टॉपिक हैं जो आपकी डेफिनेशंस हैं जो आज हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशंस में सबसे पहले है अलंकार uh, अलंकार देखिए क्या होता है स अ ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक वर्न स्कॉल अलंकार यहाँ पे वरन क्या होता है वरन का जो मतलब होता है वो होता है गाइज एक्टिविटी ऑफ सिंगिंग ठीक है उसको वरन कंसिडर करते हैं तो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ वरन स्पेसिफिक सिंगिंग की टर्म्स में जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं उसको अलंकार कहते हैं अकॉर्डिंग टू समर्स अलंकार कैन बी डिफाइंड एज अ फ्रेज ऑफ फर अरेन्ज्ड इन अ सिक्वेंस एंड फॉलो पर्टिकुलर रूल्स ये सीक्वेंस में अरेंज होते हैं एंड कुछ रूल्स इसमें होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं तो वो अलंकार कंसीडर होते हैं ठीक अलंकार एक संस्कृत का वर्ड है विच मींस ऑर्नामेंट और पीस ऑफ ज्वेलरी जिसे बॉडी को डेकोरेट करने के लिए ऑर्नामेंट यूज़ करते हैं सेम म्यूजिशिय और सिंगर जो क्या करते हैं वो म्यूज़िक की ब्यूटी को और इन्हांस करने के लिए डेकोरेट करने के लिए अलंकार यूज़ करते हैं अलंकार फॉलो अ पर्टिकुलर ऑर्डर ठीक में असेंडिंग ऑर्डर होता है डिसेंडिंग ऑर्डर होता है फॉर एग्जाम्पल सारे पादा सा रे गा दा पा दानी सा ने पा मा गा रे सा सो गाइस मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ मैं सिंगर नहीं हूँ मतलब बहुत अच्छा बुरा बिल्कुल सिंगर नहीं हूँ मैं सिंगर ही नहीं हूँ ठीक तो प्लीज नोट नोट्स को अवॉइड ही करना तो so बेसिकली हम थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं तो थ्योरी पे फोकस करेंगे द यूसेज ऑफ अलंकार डन इन अ वेरियस लय लय क्या होता है गाइज यहाँ पे लय लय होता है स्पीड रिदम ताल जो अलग अलग हम कंसीडर करते हैं ताल होती हैं ठीक है ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग बन सकती हैं जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आपको दिखाया गया है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये ताल दादरा है यहाँ पे दादरा ताल छः मात्रा की होती है तो यू कैन राइट यहाँ पे सा रेगा रेगा माँ तो जैसे यहाँ पे देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स छः मात्रा हो गई यहाँ पर हमने वर्ड्स जो लिखे हैं सारेगा रेगा मा तो इसके आगे अब ये पैटर्न फॉलो हो रहा है देखिए एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है हरे गा रे गा मा गा मा पा मा तो एक सीक्वेंस रहा है ना तो जैसे ये अब दादरा ताल में हो गई ठीक है ऐसे ही हम इसको कहरवा में कर सकते हैं यानी कि आठ मात्रा सात मात्रा में रूपक ताल होती है सात मात्रा में कर सकते हैं दस मात्रा की जब ताल हैं दस मात्रा में कर सकते हैं अगर आप इसको सिंपली लिखने के लिए आप कैसे कर सकते हैं जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है ना तो वन टू थ्री फ़ोर फाइव सिक्स में यू कैन राइट सा 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 रे 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 गा 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 तो उसी को आप तीन बार लिख सकते हैं सा 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 रे 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 गा 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 मा 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 पा 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 तो ये उसमें दादा में कंसिडर कर सकते हैं सेम इसको कहरवा में आप इसको आठ माता के अकॉर्डिंग सकते हैं सा 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 रे 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 गा 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 यानी कि चार चार के ग्रुप्स आप इसमें कर सकते हैं चार चार ग्रुप के साथ बाय डूइंग दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस वन कैन बी मास्टर्स ऑफ स्वर एंड लय देट मीन्स जो इसकी प्रैक्टिस कर सकता है फर, करता है ठीक है वो मास्टर बन सकता है ऑब्वियसली अगर हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस रोज करेंगे तो ऑबियसली वो है ना चीज़ें क्लियर होगी आगे देखिए क्या है अलंकार आर फॉर्म्ड इन शुद्ध स्वर अलॉन्ग विद कोमल स्वर समटाइम्स अलंकार आर प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू स्वर ऑफ़ राग बिल्कुल राग के अकॉर्डिंग भी अलंकार की प्रैक्टिस कर सकते हैं अलंकार एंड पल्टा इज़ वन एंड द सेम थिंग पलटा मीन्स उलटना ठीक है यहाँ पे आपको एक एम सी क्यूज भी यहाँ से बन सकता है कि पलटा का मीनिंग क्या है तो ये उलट उलटना रिवर्स ये इसका मीनिंग है ये कब पॉपुलर पॉपुलर हुआ ये भी यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि मुस्लिम एरा में ये पलटा वर्ड यूज़ होना शुरू हुआ था ठीक क्योंकि उस टाइम के ग्रंथ में ही आपको पलटा मतलब वर्ड कंसिडर हुआ था उससे पहले नहीं यूज़ में था तो एट द एंड ये लिख सकते हैं वी कैन से दैट द प्लेइंग विद द स्वर इज़ अ ग्लोरी इन म्यूजिक सिंपल तो ये था अलंकार अगर आपको इसके अलावा भी अगर आपको उसे मैंने ट्राई किया है थोड़ा सा डिटेल में समझाने का टेल अगर आपको लग रहा है कि इसमें आपको कुछ डाउट है प्रॉब्लम है आप कमेंट में मैंशन कर सकते हैं तो ये था अलंकार आगे देखिए आगे है कन हिंदी का वर्ड कन बिल्कुल क्लियर हो रहा है पढ़ते ही कन क्या होता है द सिंपल मीनिंग ऑफ कन इज एटम एंड ग्रेन विच इम्प्लाइज द यूज ऑफ अ नोट इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट जस्ट टचिंग द फ्रंट नोट और बैक नोट फ्रॉम द मेन नोट इज कॉल्ड कन ठीक है सिंपल लाइन में आपने क्या समझना है जो आपका मेन नोट है उसके पहले वाला नोट या उसके बाद वाला नोट अगर आप टच करते हैं हल्का सा स्पर्श टच करते हैं तो वो कन कंसिडर होता है सिंगिंग में फॉर uh, एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं क्या होता है दिस uh, कन इज़ यूज एनहानस द ग्रेस ऑफ म्यूजिकल क्रिएशन बिल्कुल दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्पर्श स्वर हाँ यहाँ पर आपका एम सी क्यू बन सकता है एम सी क्यू में आ सकता है कि स्पर्श स्वर क्या होता है या ग्रेस नोट क्या होता है ये आपके एम सी क्यू में कंसिडर हो सकते हैं इफ़ इंस्ट्रूमेंट इफ़ एन इंस्ट्रोमेंट प्लेयर और सिंगर हैव मास्टर देयर आर्ट ओनली देन द सिंगर और प्लेयर कैन द प्लेयर हैज़ कैपिलिटी टू यूज़ दिस नोट बिल्कुल किसी भी चीज़ के लिए प्रैक्टिस जरूरी होती है तो जो प्रैक्टिस करते हैं चीज़ों की वो ही इसको बहुत अच्छे से निभा सकते हैं बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं ठीक है देर आर टू टाइप्स ऑफ टू काइंड ऑफ कन कन के देखिए दो प्रकार हैं पूर्व लगन कन पूर्व मतलब पहले तो पूर्व लगन कन मतलब जो पहले लगता है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए गा और रे यहाँ पे मैंशन है गा और रे गा से पहले अगर रे टच करते हैं तो वो पूर्व लगन कन हुआ ठीक है वही अगर गा के बाद हम माँ टच करेंगे तो वो अनुलगन कंसिडर होगा दो टाइप है यहाँ पे कन के पूर्व लगन कन जो मेन नोट से पहले टच करते हैं ठीक है वो और अनुलगन में जो मेन नोट के बाद अगर हम टच करते हैं तो वो अनुलगन कन हुआ इतना सा टॉपिक है, गाइस ये अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है कुछ डाउट है आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं कन के बारे में भी तो आगे देखिए आगे क्या है आगे है मींड। मींड मीन गाइज क्या है मीन एक एंशन टाइप है गमक का द प्रोसेस ऑफ गोइंग फ्रॉम वन नोट टू अनदर नोट विदाउट ब्रेकिंग द वॉइस इज नोन एज मीड हमने अपनी आवाज़ को बिना तोड़े ऐसे नहीं जैसे सारे गा मा पा ऐसे नहीं करना है मतलब आवाज़ को तोड़े बिना हम एक नोट से दूसरे नोट को टच करते हुए नेक्स्ट नोट पे जाए तो वो मीड इट्स लाइक अ स्लाइड है ना तो जैसे सामा ये हो गया मतलब जैसे मैंने रे और गा को टच करते करते वहाँ पे पहुँचाऊँ मीन इज़ अ टाइप ऑफ एंशियन गमक द प्रोसेस ऑफ गोइंग फ्रॉम वन नोट टू अनदर नोट विदाउट ब्रेकिंग द वॉइस इज नोन एज मीन फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम सा टू मा गोइंग सा टू मा रे एंड गा आर स्लाइटली टच और संग ठीक है इस पर रुकना नहीं है बस टच करते करते हमने माँ पे स्टॉप करना है तो वो मेन्ड का मीन कंसिडर होता है दिस नोट्स कैन नॉट बी हर्ड डिफरेंटली ये अलग से आपको रे और गा अलग से सुनेंगे नहीं बीच में ठीक है आपको सा और मा ही सुनेगा जैसे मैंने ट्राई किया था तो बाय यूजिंग मीन द म्यूजिकल कंपोजिशन बिकम्स मोर सॉफ्ट एंड मेमराइजिंग तो ये असाइड में आप इसका एक डायग्राम देख सकते हैं सा रे गा मा ठीक है ये एक ब्रैकेट बनी हुई है जो आप बना भी सकते हैं बहुत इजी है जस्ट एक ब्रैकेट ड्रॉ करनी है और चार नोट आप ऐसे लिख सकते हैं रैंडम कोई भी चार नोट लिख सकते हैं आप लेकिन वो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सारे गामा या माँ धानी ठीक है पा नी सा कुछ भी लिख सकते हैं और गैस यहाँ पे देखिए सा और माँ के ऊपर एक ब्रैकेट है तो नोटेशन सिस्टम में आप इसको इन्वर्टेड हाफ मून आपने ड्रॉ करना है सो दैट के वो पता लग जाए कि इस नोट पर आपने मीड यूज़ करनी है ठीक है रिटर्न में अगर आप किसी चीज़ को लिख रहे हैं तो मीन कैसे कंसिडर करेंगे तो सा और माँ के ऊपर आपने इन्वर्टेड हाफ मून आपने बनाना है तो दैट मीन्स यहाँ पे इस नोट पे आपने मीन यूज़ करनी है चलिए आगे देखते हैं गाइज आगे है खटका खटका इज द सिंपल वर्ड विच मीन्स फेयर डाउट मिसट्रस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा खटका कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एंशियन गमंग सुफ्रित वैन फोर आर मोर देन फोर्स वर आर क्विकली शेकन टचड इन अ फास्ट ध्रुत ये द्रुत वर्ड यहाँ पे आता है द्रुत का मतलब होता है फास्ट फास्ट लाइन यानी स्पीड इन अ राउंड वे इट इज़ कॉल्ड खटका द स्वर बिफोर एंड आफ्टर द मेन स्वर आर संग एंड प्लेट ओके इन अ वेरी फास्ट फास्ट स्पीड जी आगे देखिए फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे धा पा मा पा यूज किया है ठीक है तो पा के साथ पा को ब्रैकेट में लिखेंगे दैट मीन्स पा पे खटका है ठीक है जैसे हमने मीन में, में हाफ इन्वर्टेड मून लिखा था एंड खटका ब्रैकेट में लिखेंगे दैट मीन्स खटका नोट है यहाँ पे तो लिखने में ऐसे आता है ये यूज़ कहाँ होता है गाइज़ ये यूज़ होता है ठुमरी दादरा टप्पा एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होता है ये ठीक है आगे देखिए आगे है मुर्की मुर्की इन अ सिंपल सेंस इज़ अ काइंड ऑफ एयर रिंग एयर रिंग जो होती है उसको मुर्की कहते हैं सिंपल सेंस में बट इन म्यूजिक मुर्की इज़ टाइप ऑफ सुफरद गमक जैसे आपने खटका पढ़ा था वो भी गमक का टाइप था सुफरिद गमक का ये भी सुफरद गम्मा का ही टाइप है सुनने में एक जैसे हैं खटका में चार स्वर यूज़ होते हैं मुरकी में तीन स्वर यूज़ होते हैं तीन स्वर यूज़ हो रहे तो मुर्की चार स्वर यूज़ हो रहे तो खटका इसको लिखने का मेथड क्या है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं सा रे और नीचे उसके पैर में छोटा सा सा ऐड कर दिया दैट मीनस ये ये मुर्खी है और रे नी सा तो ये क्या है मुर्गी है ठीक है ये भी सेम दादरा टप्पा ठुमरी में यूज़ होता है ये सारे सिंगिंग स्टाइल हैं तो ये इन चीज़ें ये यहाँ पर यूज़ होती हैं ठीक है मैं वीडियो मेंशन कर देता हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि ये इनका यूज़ कैसे होता है तो ये पांच टॉपिक गाइस हमने कवर किए हैं अभी अभी इनमें आपको कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मैंशन कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच